जिलाधिकारी ने लगातार अपराध करने वाले गगहा थाने के अपराधी के ऊपर एनएसए रासुका की कार्रवाई की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र में मार्च 2021 में शिव शंभू मौर्य व इनके नौकर संजय पांडे की हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में गगहा थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान अभियुक्त युवराज सिंह व इसके अन्य साथियों के नाम प्रकाश में आए थे। इस घटना से पूर्व मार्च 2021 में ही रितेश मौर्य की भी हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में गगहा थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। रितेश मौर्य व शिव शंभू मौर्य वर्ष 2013 में गगहा थाना क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड के पैरोकार थे, जिसकी वजह से अभियुक्तों द्वारा इसकी हत्या की घटना कारित की गई थी। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है और इन मुकदमों की विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है और इस घटना में एक अभियुक्त सन्नी सिंह उर्फ मिगरेंद्र सिंह पुत्र उग्रसेन उर्फ मुन्ना सिंह के खिलाफ 8 अगस्त से एनएसए की कार्रवाई चल रही है, जिसमें घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त राज सिंह उर्फ युवराज सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी ठठौली मंगल बाजार थाना गगहा जनपद गोरखपुर के खिलाफ 29 अगस्त को जिलाधिकारी द्वारा एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना गगहा क्षेत्र में मार्च 2021 में शिव शंभू मौर्य व उनके नौकर संजय पांडे की हत्या की घटना कारित हुई थी, जिस संबंध में युवराज सिंह व इसके अन्य साथियों के नाम प्रकाश में आए थे। इस घटना से पूर्व मार्च 2021 में ही रितेश मौर्य की भी हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 83/21 धारा 302 थाना गगहा में पंजीकृत किया गया था। रितेश मौर्य व शिव शंभू मौर्य 2013 में हुए एक हत्याकांड के पैरोकार थे, जिस संबंध में इनकी ये हत्या की घटना अभियुक्तों द्वारा कारित की गई थी। इन सभी अभियुक्तों को अरेस्ट करके पूर्व से ही जेल भेजा जा चुका है और इस घटना की और इस मुकदमे की विवेचना के उपरांत चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। इन सभी अभियुक्तों के ऊपर पूर्व से ही गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा चुकी है और इस घटना से संबंधित एक अभियुक्त के ऊपर पहले से ही एनएसए की कार्रवाई चल रही है। इस घटना से संबंधित मुख्य अभियुक्त युवराज सिंह के ऊपर माननीय जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर के द्वारा एनएसए के अंडर इसको निरुद्ध किया गया है, जिसका नोटिस तामील करा दिया गया है। इन सभी मुकदमों की प्रभावी पैरवी माननीय न्यायालय में की जा रही है और जल्द से जल्द इन अभियुक्तों को इन सभी मुकदमों में सजा कराए जाने के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।